Hello everyone, this is Shakti Prakash Oriya. I welcome you all on my YouTube channel TCS Patsara. Jaisa ki last 3 test ho chuke the quality ke and we are starting on the 4th test ke solution ko karna hai. Aaj ka jo test raha hai wo pichle 3 test ka ek combo back raha hai. Matlab pichle jo 3 test aapne diya tha un teenon ko mila jula karke test tha bas ye test karne ke liye कि आपने पिछले क्वेश्चंस को रिवाइज किया कि नहीं किया और कुछ नए क्वेश्चंस भी इसमें थे तो मुझे लगता है कि आपने अच्छा किया होगा. लेट्स सी रिजल्ट क्या होता है. आइए सॉल्यूशन पे चलते हैं. और क्वेश्चन नंबर पहला जिसमें दिया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो पुनर्गठन अधिनियम 1956 बना था उसके तहत पूछ रहे हैं कि कितने राज्यों का गठन किया गया था. तो आप सारे लोग जानते हैं पिछली चर्चाओं में भी था कि 14 राज्यों की 14 भाषाओं के आधार पर 14 राज्यों का गठन किया गया था. तो ऑप्शन बी हो जाएगा, करेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि भारत राज्यों का संघ है तो संघात्मकता या फेडरल जो हमारे यहाँ सिस्टम है वो कैनेडा के देश से लिया गया है. तो पूछ रहा था किस देश से लिया गया है इसका सोर्स, तो कैनेडा आपका उत्तर हो जाएगा. तो दो का भी बी आंसर होगा. क्वेश्चन नंबर तीन है मूल संविधान भाग बी राज्य के अंतर्गत शामिल है. तो आप सबको पता है कि स्टेट्स को 4 भाग में ए बी सी डी में डिवाइड किया गया था. जो बी में थी वो देशी रियासतों के बारे में चर्चा था. तो देशी रियासत जो होगी वो बी आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 4 है तेलंगाना कब बना, कब अस्तित्व में आया. तो फैक्ट है रटो गया, रट लो बेहतर है. 2 जून 2014 को तेलंगाना अस्तित्व में आया था. तो ये आपका आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 5 है निम्नलिखित पद में से कौन सही ढंग से जोनल काउंसलिंग का प्रतिनिधित्व करता है. तो बच्चों जोनल काउंसलिंग जो है वो एक एडवाइजरी ग्रुप होता है, एक समूह होता है, सलाहकारी समूह होता है जो राज्यों द्वारा बनाया जाता है. और आपके पूरे भारत में जितने भी राज्य हैं उनको 5 जोन में डिवाइड किया गया, ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न एंड साउदर्न, साथ में एक है सेंट्रल. तो 5 जोन में डिवाइड किया गया है. तो ये एक सलाहकारी समिति है. तो क्वेश्चन नंबर ए का 5 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सलाहकारी निकाय है. थोड़ी सी बात आप इसमें एक बात और जान के रखिए कि जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो किसी जोन में नहीं आता, 5ों में से किसी जोन में नहीं आता. हाँ जो इनविटेशन है वो साउथ जोन के द्वारा दिया गया है, साउथ जोन ने इनवाइट किया है कि आप चाहे तो इसमें ज्वाइन हो जाए. तो अभी किसी भी जोन का सदस्य नहीं है. लेट्स सी भविष्य में जाता है कि नहीं जाता साउथ में. क्वेश्चन नंबर 6 है निम्नलिखित में से कौन सा 1956 का अधिनियम राज्यों के पुनर्गठन का परिणाम था. तो सीधी सीधी बात है राज्यों का पुनर्गठन का जो अभियान, इसको मैं एक क्रम से ऐसे बता देता हूँ. मैंने बताया भी था कि धर कमीशन बना था. धर कमीशन ने अपनी सिफारिश दी कि राज्यों का गठन प्रशासन के आधार पर किया जाना चाहिए. फिर उसके बाद जेवीपी कमेटी बनी जवाहरलाल नेहरू और पट्टाभी सीतारामैया और वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने भी उसी कमेटी की सिफारिश को समर्थन दे दिया. उसके बाद फिर तीसरी एक फजल अली कमेटी बनाई गई. फजल अली कमेटी के बाद उसी की सिफारिश पर एक राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 बनाया गया. राज्य पुनर्गठन आयोग ने 16 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया था 1 नवंबर 1956 को. तो बी आपका उत्तर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7 है निम्नलिखित में से कौन से तरीके हो सकते हैं भारतीय नागरिकता हासिल करने के. तो भारतीय नागरिकता अधिनियम जो 1955 है उसके तहत 5 तरीके बताए गए हैं नागरिकता प्राप्त करने के. वंश परंपरा हो सकता है, जन्म के आधार पर हो सकता है, क्षेत्रों के नए जुड़ने के आधार पर उन क्षेत्रों की नागरिकता प्राप्त की जा सकती है, मतलब भारत की नागरिकता उस क्षेत्र को मिल जाएगी, क्षेत्र समवृष्टि बोलते हैं, पंजीयन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है. ठीक है, और 5 तरीके में से मैंने डिस्कस कर दिया, वंश परंपरा, जन्म के आधार पर, पंजीयन, देशीकरण और एक क्षेत्र समवृष्टि. इन 5 तरीकों से नागरिकता नियम के द्वारा नागरिकता प्राप्त की जा सकती है. तो तीनों ऑप्शन करेक्ट है, इन सभी मतलब डी उत्तर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 8 है भारतीय नागरिकता खो जाती है जब एक किसी अन्य देश का नागरिक बन जाता है. तो आप याद रखिए 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है, 5 और 6 में
पांच के अंतर्गत तीन प्रावधान दिए गए हैं कि निम्न तीन कंडीशन के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक बनेगा। छह के अंतर्गत भारत से पाकिस्तान गए व्यक्तियों के प्रावधान रखे गए हैं। सात में पाकिस्तान से जो भारत है उनके बारे में प्रावधान है। आठ में अप्रवासी भारतीयों के बारे में प्रावधान है। और अनुच्छेद नंबर नौ के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी दूसरे देश की नागरिकता स्वीकार करेगा तो भारत की नागरिकता रद्द हो जाएगी, क्योंकि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है। तो क्वेश्चन नंबर आठ का आंसर सी हो जाएगा। नौवे में दोहरी नागरिकता, यूएसए है अमेरिका के देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है। केंद्र की अलग नागरिकता होती है, राज्यों की अलग नागरिकता होती है। क्वेश्चन नंबर दस है, भारत के संविधान में अनुच्छेद 5 से 11 नागरिकता से संबंधित है। भाग दो है 5 से 11, भाग एक 1 से 4, भाग दो 5 से 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा पहला राज्य भाषाई आधार पर गठन किया गया था? तो रामानुजी जो थे आंध्र प्रदेश के, भाषा के आधार पर नए राज्य की गठन की बात कर रहे थे। 56 दिन के उपवास के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। तो 1 अक्टूबर 1953 को आनंद फानन में जल्दबाजी में भाषा के आधार पर एक नए राज्य का गठन किया गया था, तो आंध्र प्रदेश उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में नागरिकता के अधिकार को विनियमित करने की शक्ति किसमें? तो संसद को अधिकार है अनुच्छेद 11 के तहत, ठीक है, वो नागरिकता दे भी सकता है, नागरिकता के कानून को बदल भी सकता है, नए कानून बना सकता है, अथवा पुराने कानून को समाप्त भी कर सकता है। तो संसद को अनुच्छेद 11 के तहत अधिकार प्राप्त है कि वह संसद व नागरिकता संबंधी कानून को बदल सकती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक नए राज्य से बाहर निकलने की शक्ति निकालने की, ये थोड़ा करेक्शन करिएगा, एक नए राज्य से बाहर निकालने की शक्ति किसके साथ नहीं थे? तो संसद, राज्यों के बारे में जो भी डिसीजन लेगी वो संसद लेगी, चाहे उसका नाम बदलना हो, चाहे उसकी एरिया परिवर्तन करने हो, ठीक है, नए राज्यों का गठन करना हो, नए राज्यों का प्रवेश हो, ऑल दैट। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश विधानसभाएं? तो विधानसभा दिल्ली में, पुडुचेरी में और अभी जम्मू एंड कश्मीर में, तो वर्तमान समय में 3 है। क्वेश्चन नंबर 16 है, आधार कार्ड जो कि हर नागरिक का यूनिक पहचान संख्या प्रदान करता है, कितने अंकों से मिलकर बना है? वैसे तो आप देखेंगे तो आपको 12 अंक उस पर दिखेंगे, लेकिन जो वर्चुअल आधार कार्ड होता है उसको 16 नंबर्स पे इशू किया गया था, तो यहाँ पे 12 ऑप्शन में है नहीं, तो सबसे कम ऑप्शन जो है वो 16 नजदीक है, आप 16 के उत्तर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस संवैधानिक संशोधन का भारत ने दिल्ली का वर्णन राष्ट्रीय राजधानी के रूप में किया? तो दिल्ली एक यूटी थी, यूनियन टेरिटरी थी, लेकिन 69वां जो संविधान संशोधन था, मतलब 69th जो संविधान संशोधन था, उसमें दिल्ली को यूटी से नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ इंडिया के नाम से रखा गया, तो 69वां संविधान संशोधन 69th, ये करेक्ट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा लेख केंद्र सरकार को भारत में नए राज्य बनाने की अनुमति देता है? तो देखिए, राज्य संघ के बारे में, राज्य क्षेत्र के बारे में अनुच्छेद 1 से 4 तक का चर्चा है। अनुच्छेद 1 के तहत राज्यों और क्षेत्रों के बारे में चर्चा की गई है। क्षेत्र, राज्य मतलब जो उसके पूर्ण राज्य हैं, क्षेत्र मतलब वो सारे क्षेत्र जो राज्य के अंतर्गत आते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, और यह वो सारे राज्य जिस पर भारत सरकार का कब्जा है या भारत सरकार उसको रेगुलेट करती है, वो सब टेरिटरी कहे जाएंगे, लेकिन स्टेट की बात होगी तो जितने भी पूर्ण राज्य होंगे केवल उनकी बात की जाएगी। तो वर्तमान में अनुच्छेद 2 के तहत वह नए राज्यों के प्रवेश की चर्चा करता है, संसद को अधिकार देता है। अनुच्छेद 3 के तहत वह भारत में नए राज्यों का गठन कर सकता है, जैसे आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांट दिया गया, तो तेलंगाना जो हुआ वह अनुच्छेद 3 के तहत बनाया गया एक राज्य। अनुच्छेद, क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिक्किम को भारत का अभिन्न अंग किस संविधान संशोधन, पिछले वाले में भी क्वेश्चन था, 36th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 36 नंबर, तो 36वां संविधान संशोधन ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारतीय संविधान के अनुसार अधिवास का अर्थ क्या है? तो भारतीय संविधान में जो अधिवास का मतलब है, मतलब जहां आप निवास करते हैं, मतलब निवास स्थान या आपका स्थायी जो घर निवास होगा उसके बारे में चर्चा होगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है आपने, प्रवासी भारतीय दिवस हर साल मनाया जाता है, 9 जनवरी को मनाया जाता है, आप इसे याद कर सकते हैं। भारत का 25वां राज्य कौन सा है? तो 1987 में बनाया गया गोवा भारत का 25वां राज्य था, तो आपका डी ऑप्शन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23 है, किस वर्ष में भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया? तो भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955, अभी मैंने डिस्कस करी थी, 5 तरह से नागरिकता प्राप्त करने का प्रावधान करता है।
भारत में दोहरी नागरिकता का भी प्रावधान 2003 से किया गया है। 2003 में उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, तो हमने नागरिकता का प्रावधान 2003 से स्टार्ट किया। 2003 में जब हमने स्टार्ट किया दोहरी नागरिकता, तो केवल 8 देशों के लिए प्रावधान किया था। वो जो राष्ट्रमंडल के देश थे उनमें से 8 देश जहाँ भारतीय रहते थे उनके बारे में प्रावधान था। 2005 में हमने सभी देशों के लिए ये प्रावधान कर दिया, हालांकि अभी भी हम लोगों ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को इसमें शामिल नहीं किया है। और 2006 से तो हमने उन्हें राइट टू वोट भी दिया। तो ध्यान रखिए, भारत में जो दोहरी नागरिकता है वो केवल अप्रवासी भारतीयों के लिए है, ऐसे भारतीय जो किसी दूसरे देश में रहते हैं, और अगर उनका वह देश दोहरी नागरिकता अलाउ करता है तो वो भारत की भी नागरिकता ले सकते हैं। ये काम केवल इसलिए किया गया है ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहे, लोग भारत आते जाते रहे, इससे जो आएंगे तो घूमने आएंगे तो उनके लिए कुछ भाई पैसे वैसे भी लेके आएंगे, भारत में एक्सपीरियंस करेंगे, भारत की GDP में उसका योगदान होगा, और एक अटैचमेंट बना रहेगा कि आप भारतीय हैं कहीं भी रहे हो। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन 1955 डी हो जाएगा। 24 में राज्य और उसके गठन के वर्ष दिए हैं। एक करेक्शन इसमें कर लीजिएगा कि जो हिमाचल प्रदेश है वो एक्चुअली 1970 में 18 दिसंबर 1970 उसके बारे में प्रावधान लाया गया, और यह सच में बना तो 71 में बना है, जबकि आप देखेंगे कि 71 कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऑप्शंस में जाएंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि जो गुजरात है वो 1960 में बना, मतलब बी का एक ऑप्शन हो जाएगा। जो गोवा है वो 1987 में बना, मतलब एक का तीन और बी का वन, तो एक का तीन और बी का वन दो ऑप्शन में है, बी और सी। तो आपको थर्ड वाला देखना है। हिमाचल प्रदेश डाउट में है, ये 71 में बना है। मेघालय जो है वो 72 में बना है, तो मेघालय का दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। तो मेघालय दूसरा, मतलब तीन का सी का सेकेंड ऑप्शन, बी उत्तर आप लगा सकते थे। हालांकि कंफ्यूजिंग है, तो सी भी ऑप्शन हो सकता था, क्योंकि अगर हम 72 मान लें उसके हिमाचल प्रदेश के बारे में, वो 71 में बना था, वो मिसप्रिंट है, तो फिर मेघालय के लिए 66 भी गलत हो जाएगा। तो बेटर ऑप्शन है कि बी पे आप चले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की संसद संघ में नए राज्य के प्रवेश का अनुमति देती है। तो एक साधारण कानून के द्वारा, याद रखिए अनुच्छेद 4 के अंतर्गत कहा गया है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत जो भी संशोधन होंगे वो भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 368 से बाहर होंगे, 368 से बाहर होंगे। तो निश्चित तौर पर वहां पर साधारण बहुमत द्वारा प्रावधान चेंज किए जाएंगे, तो सी सही हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का गठन किस वर्ष किया गया, तो 9 नवंबर 2000 में किया गया था, फैक्ट है, याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है, तो त्रिपुरा है, बाकी तीन तो है नहीं सेवन सिस्टर्स में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है, तेलंगाना का मुद्दा अध्ययन करने के लिए, तो याद रखिए एक फॉर्मर चीफ जस्टिस से BN कृष्णा साहब उनको लेकर के कमेटी बनाई गई थी कि हैदराबाद को जब अलग किया जाएगा तेलंगाना और हैदराबाद में तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगी। तो एक कमेटी जो बनी थी वो अध्यक्षता जो की हुई थी वो BN कृष्णा साहब ने की थी, चीफ जस्टिस है फॉर्मर, ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारत के क्षेत्र से मिलकर बनता है, तो भारत के क्षेत्र से मिलकर बनता है अनुच्छेद 1 के अनुसार जो है, तो टेरिटरी का मतलब है उसमें केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत क्षेत्र भी होंगे, केंद्र शासित प्रदेश भी होंगे और राज्यों का क्षेत्र भी होगा, तो उपरोक्त सभी इसके उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो अब तो 9 हो गए, पहले 7 थे, अभी हमारे पास लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर 2 बढ़ गए हैं। प्रवासी भारतीय दिवस किस मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है, तो विदेश मंत्रालय द्वारा मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही भारत के संविधान का वर्णन करता है, तो लिखा है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा, इंडिया अर्थात भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो राज्यों का एक संघ होगा, ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस आयोग की सिफारिश के तहत पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ, तो शाह आयोग था जिसके आधार पर पंजाब और हरियाणा का गठन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 34 है, 15वां प्रवासी भारतीय दिवस, तो वाराणसी में हुआ था, ये मिसप्रिंट है, वाराणसी आप करेक्ट कर लीजिएगा, सी ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्राकृतिकरण मतलब नेचुरलाइजेशन की प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कोई एक भारत का नागरिकता प्राप्त कर सकता है, तो चाहे वो परदेशी आदमी हो चाहे भारतीय हो,
प्रवासी भारतीय हो चाहे वो NRI हो, कोई भी जो उसकी कंडीशन को पूरा करेगा वो नेचुरल इंडिया का सिटीजन बन जाएगा, जिसे आप देशीकरण भी हिंदी में कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 है, किस राज्य या संघ का पुराना नाम गलत तरीके से दिया गया है? तो बाकी सब सही है, मेघालय को स्कॉटलैंड ऑफ ईस्ट कहा जाता था, तो मेघालय डी आपका उत्तर होगा। बाकी लक्षद्वीप का नाम पुराना ये था, तमिलनाडु को मद्रास, कर्नाटक को मैसूर, ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और राज्य जो उनमें से है। तो क्वेश्चन नंबर 37 में जो चार स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट गिवन है, पहला स्टेटमेंट बच्चों एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देखिए, थोड़ा सा इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेशन में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ जा रही है, हालांकि मैंने जल्दबाजी में बिजी शेड्यूल होने के कारण ध्यान नहीं दिया। कल से कोशिश करेंगे आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का PDF आपके ग्रुप में जाए। तो एक थोड़ा सा जो पहला स्टेटमेंट है उसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स नाम का शब्द प्रयोग किया गया है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने की छूट नहीं है, तो करेक्ट है एकदम पहला भी। दूसरे में कहा गया SK धारा आयोग जो बना था उसने राज्यों के गठन में जो प्राथमिकता दी थी वो प्रशासन को दिया था, ना कि भाषा के आधार, तो ये भी करेक्ट ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 3 दिया है, कांग्रेस कमेटी के आधीन पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पटाली सीतारमैया, JVP कमेटी, इसने क्या किया था कि भाषा के आधार पर गठन के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था, मना कर दिया था। तो हाँ बिल्कुल सही है, इन्होंने भी वही समर्थन किया था जो SK धर आयोग ने कहा था, धर कमीशन ने कहा था। तो ये करेक्शन है आप लोगों के लिए, शायद इसमें ऑप्शन ए उत्तर है 37 में, उसे आप डी कर लीजिएगा, डी तीन के तीनों से। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुमति देता है नए राज्यों के गठन की? तो अनुच्छेद 3 है जो नए राज्यों के गठन की अनुमति संसद को देता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, अनुच्छेद 3 के तहत संसद को कौन सी शक्ति प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के तहत वो क्या कर सकते हैं, अनुच्छेद 3 के तहत वो किसी भी राज्यों की सीमा के सीमा को घटा अथवा बढ़ा सकती है, ठीक है, और वह जो है किसी का नाम परिवर्तित कर सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए का पहला स्टेटमेंट है, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सकती है, सही है, किसी राज्य के क्षेत्र को कम नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, बिल्कुल कर सकती है, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। तीसरे में कहा गया किसी राज्य का नाम बदल सकती है, करेक्ट है, एक और तीन ऑप्शन हो जाएंगे जो आपके सी में गिवन ऑप्शन में से। 40 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में मंत्रिपरिषद, तो दिल्ली एक ही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, भारत का शब्द संघ की सीमा है, तो एक दो स्टेटमेंट है और दोनों स्टेटमेंट में से पता करना है कि कौन सा वाला सही है। दिया है कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश संघ के सदस्य है। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत अविनाशी संघ का विनाशकारी राज्य, मतलब विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, करेक्ट करेंगे इसे, भारत विनाशकारी राज्यों का अविनाशी संघ है, तो सही है, संघ अविनाशी नहीं है, संघ खत्म नहीं हो सकता, समाप्त नहीं हो सकता, लेकिन जो राज्य है वो समाप्त किए जा सकते हैं, उनका नाम बदला जा सकता है, सीमा बदली जा सकती है, तो बी ऑप्शन भी सही है। और ए में जो केंद्र शासित प्रदेश है वो भी तो संघ के अंतर्गत आते हैं ना, तो वो भी करेक्ट है, एक और दो दोनों सही, मतलब सी। क्वेश्चन नंबर 42 में करेक्शन है, मैं चाहूंगा कि आप इसे डिलीटेड माने, मैं समझा देता हूँ क्या था। उसमें दिया था कि केंद्र शासित प्रदेश फिर डैश था, फिर इन द ब्लैंक्स है, और फिर लिखा है किस अनुसूची के अंतर्गत है, तो केंद्र शासित प्रदेश जो है तो राज्य क्षेत्र है, अनुसूची नंबर एक ही में होगा, बी उत्तर हो जाता। क्वेश्चन नंबर 43 जो है 43, वो कहा गया है गोवा का गठन कब, क्या कहते हैं, केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब हुआ था, तो पूर्ण राज्य के रूप में 72वां संविधान संशोधन बताता है, लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश के रूप में था वो 12वां संविधान संशोधन 1962 बताता है, उसके द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्नलिखित में से कौन स्पष्ट रूप से उभरता है, मतलब इसका सही करेक्शन होगा, निम्नलिखित में से कौन प्रस्तावना से स्पष्ट रूप से उभरता है, मतलब कौन सी लाइन प्रस्तावना में गिवन है जो उसको सेटिस्फाई कर रही होगी। तो नंबर 1 संविधान को अपनाने की तिथि, तो बिल्कुल है, उसमें दिया गया 3 मार्च 1976। फिर उसके बाद दिया गया है विचार जो हासिल किए जाने हैं, बिल्कुल लिखा गया है कितने प्रकार की समता, कितने प्रकार की स्वतंत्रता नागरिकों को देनी है।
भारत राज्य की प्रकृति कैसी है, बिल्कुल लिखा गया है कि अधिकार कितने भी अधिकार के संविधान अधिकार का स्वरूप पहली लाइन कहते हैं कि हम भारत के लोग, तो जो शक्ति का स्रोत है वो कहीं ना कहीं आपका संविधान में आपकी जनता है, तो इसके बारे में भी चर्चा किया गया है। तो आपका उपरोक्त सभी मतलब डी से ही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, दमन दीप के शासन प्रदेश को कौन संचालित करता है, तो दमन दीप प्रशासक होता है जबकि राज्यों में राज्यपाल होता है। क्वेश्चन नंबर 46 और जो आपके जहाँ पे विधानसभा है वहाँ पे उपराज्यपाल की नियुक्ति होती है, तो वो केंद्र शासित प्रदेश है, वो कोई वहाँ पे विधानसभा है तो है नहीं, तो प्रशासक वहाँ का होता है जो केंद्र सरकार के अंडर में काम करता है और वो दमन दीप को देखता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, किस मामले पर बल दिया जाना गया है, प्रस्तावना संविधान सभा का हिस्सा है, सही से इसको करेंगे तो किस मामले पर संविधान प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है इस बात पर बल दिया गया है। तो एक मामला है केशवानंद भारती का और उसके बाद का एक मामला LIC का भी है, LIC एंड यूनियन ऑफ इंडिया। तो इसके अंतर्गत भी ये कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का है, तो ये करेक्शन है जो ऑप्शन ए ये दिया है, ए भी सही है और एक नंबर भी और दो नंबर, तो इसका मतलब बी ऑप्शन पे चलिए, वहां एक और दो दोनों दिए हैं, तो बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 में करेक्शन है, एक ही जगह पे बी उत्तर बेहतर है। क्वेश्चन नंबर 47 में दिया गया है, दिल्ली मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं और आप याद रखिएगा कि वो इस्तीफा भी राष्ट्रपति को ही देते हैं। वर्तमान में पुडुचेरी का सीएम कौन है, पुडुचेरी का तो वो वेलु नारायण स्वामी है, गलती से वी लिखा है, ट्रांसलेशन का प्रॉब्लम है बच्चों, मैं अगली बार से कोशिश करूंगा कि ना हो। 49 क्वेश्चन है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसको देंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को देंगे। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको है, तो संसद को है। पहले बच्चों आज के पेपर में कुछ ट्रांसलेशन एरर्स रही है और मैं आश्वासन देता हूँ कि नेक्स्ट वाले एग्जाम जो भी होंगे उसमें ट्रांसलेशन एरर को अवॉइड किया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि यू गेट क्वेश्चन पेपर इन बोथ लैंग्वेजेस, ताकि हिंदी में दिक्कत भी हो तो इंग्लिश में आप समझे। मेहनत करते रहिए, बहुत ही जल्द हम लोग इस चैनल पे कुछ GS के कोर्सेज लाने वाले हैं और जो आपके लिए एकदम निःशुल्क होगा आप उसे पढ़ेंगे, अच्छे अध्यापक होंगे जो आपको पढ़ाते होंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।